नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ वलसाड डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर श्री नेमेश दवे जी बैठे हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 23 साल की उजवनी एक विकास सप्ताह के द्वारा की जा रही है, तो चलिए आज हम लाइट डालते हैं गुजरात के इंडस्ट्रियल जोन के विकास में। तो नेमेश दवे सर, जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी जी ने भारत के और गुजरात के औद्योगिक विकास के लिए बहुत कुछ किया है, अनगिनत योगदान दिए हैं, तो आप इस बारे में क्या लाइट देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि गुजरात में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट 2003 में शुरू किया। तब से निरंतर हर दो साल इन्वेस्टर समिट होती रहती है और उस समिट में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे देश भर से और विश्व के अन्य देशों से भी आते हैं और गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं। उसके कारण गुजरात का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हुआ है। गुजरात में आप अभी एक गुजरात कंट्री का एकमात्र स्टेट है जहाँ पे 4 सेमीकंडक्टर कंपनियाँ आने वाली हैं। साथ में गुजरात में टाटा नैनो कंपनी आई, बहुत सारी और कंपनियाँ भी आई। गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ गिफ्ट सिटी जो फिनटेक कैपिटल हुआ हमारा, सर हुआ, धोलेरा का डेवलपमेंट हुआ, ये सब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ में के कारण हुआ है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वापी और वलसाड भी एक इंडस्ट्रियल हब के लिए जाना जाता है, तो आगे ये सप्ताह में हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी तक क्या कर चुके हैं? हम सबको पता है कि वापी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। वापी का GIDC एशिया का सबसे बिगेस्ट GIDC माना जाता है। उसके साथ साथ सरीगाम और उमरगाम में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, साथ साथ वलसाड के गुंडलाव में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। मतलब पूरा वलसाड डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी हुआ है। ये आपके हमारे आदरणीय वडाप्रधान साहब नरेंद्र भाई मोदी साहब की जो विजनरी लीडरशिप है उसको आभारी है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उनको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए फैसिलिटेट किया। उसके कारण आज हम ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो सर, जैसे कि हमको जानने मिला है कि 7 से 15 तारीख के बीच में विकास सप्ताह की उजवनी करने जा रहे हैं, तो इस दौरान हम वलसाड डिस्ट्रिक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं? वलसाड में हमने 8 तारीख को पूरे डिस्ट्रिक्ट की सारी ऑफिसेस में शपथ लिया, 9 तारीख को हमने तालुका लेवल की सारी ऑफिसेस में हमने शपथ लिया, 10 तारीख को हर गांव में हमने शपथ का प्रोग्राम रखा था, 11 तारीख को हमने विकास पदयात्रा रखी थी और उसी दिन मोगाबाई हॉल में 80 करोड़ के लोकार्पण खातमुहूर्त के प्रोग्राम्स में रखे थे और अब 15 तारीख को भी एक कल्चरल प्रोग्राम का हमने आयोजन किया है। मतलब हम पूरे सप्ताह इस विकास सप्ताह की जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं श्री माननीय निमेश दवे जी का कि उन्होंने अपने योगदान में कोई कमी नहीं छोड़ी।